नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। श्री कैची धाम में परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज की असीम कृपा से श्री सिद्धि माँ के मंदिर की स्थापना हो रही है, साथ ही भंडार का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि बाबा की समाधि लेने के लिए भक्त शरीर रूप में नीम करोली महाराज का ही अंग मानते हुए सिद्धि माता की आराधना करते थे। शरीर त्याग देने के बाद भी बाबा नीम करोली महाराज जी के साथ उनकी पूजा की जाती है। पंजाब के अमृतसर में दशहरे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। अमृतसर के जोड़ा फाटक इलाके में रावण दहन देख रहे लोगों को ट्रेन ने कुचल दिया। आपको बता दें कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है, वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। वह यूं कि ट्रैक पर लोग रावण दहन देख रहे थे, तभी DMU ट्रेन इन लोगों पर मौत बनकर बरसी। पुलिस कमिश्नर ने मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि की है। ट्रेन हादसे में जख्मी हुए लोगों का इलाज चल रहा है। लोग रेलवे प्रशासन और सरकार की लापरवाही से काफी गुस्से में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में कमी के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम भी शनिवार को कम हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे घटकर 81.99 रुपये प्रति लीटर हो गई है, वहीं मुंबई में 38 पैसे घटकर 87.46 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल के दाम दिल्ली में 12 पैसे और मुंबई में 13 पैसे प्रति लीटर घटे हैं। दिल्ली में डीजल अब तक 75.36 रुपये और मुंबई में 79 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 3 दिन से कटौती जारी है, इसमें आम जनता को कुछ राहत मिली है। फरीदाबाद के दशहरा मैदान में रावण दहन के मौके पर बीजेपी के 2 मंत्रियों के बीच सार्वजनिक रूप से जमकर तानातानी शुरू हो गई। मंच पर ही केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और उद्योग मंत्री विपुल गोयल भिड़ गए और एक दूसरे को दशहरे की आड़ में राजनीतिक न करने की नसीहत दे डाली। अपने मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से भिड़ते हुए देखकर लोग भी सकते में आ गए और दोनों मंत्रियों की भिड़ंत शहर में चर्चा का विषय बन गई। गौरतलब है कि इस मैदान में दशहरा मनाए जाने को लेकर पिछले काफी समय से 2 धार्मिक संगठनों में बहस छिड़ी हुई थी। माना जा रहा है कि एक पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुज्जर कर रहे थे, वही दूसरी पक्ष का नेतृत्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के हाथों में था। NIT के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में भी आज विजयदशमी का ये उत्सव मनाया गया है। लाखों की संख्या में लोग उस उत्सव में शरीक हुए हैं। उन फरीदाबाद वासियों को इस उत्सव के मौके पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत से मेहमान बुलाए जाते हैं, बहुत से बेगाने शादी में दीवाने हो जाते हैं, बगैर बुलाए आ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ मैं। लेकिन देख रहे थे कि यहाँ कुछ गर्मागर्मी भी आपकी हुई उद्योग मंत्री के साथ। नहीं, कोई गर्मागर्मी नहीं है, मेरा छोटा भाई है, उसको सलाह देना मेरा फर्ज है। तो क्या सलाह दी, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं जो कभी भी धार्मिक मंच से कभी भी राजनीति के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए, उनको मैंने यही सलाह दी। कभी भी किसी धार्मिक मंच पर जाओ, सामूहिक मंच पर जाओ, तो राजनीति को घर छोड़ के आओ। एटा में विजयदशमी के पर्व पर एक विशेष समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिला। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारी संख्या में क्षत्रियों का जमावड़ा रहा। आयोजन की शुरुआत हवन और शस्त्र पूजन से की गई। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने PM मोदी और CM योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने देश प्रदेश में राजनीतिक और समाज को एक अलग पहचान दिलाई है। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला अदालत में जरूर है, पर कुछ पार्टियां नहीं चाहती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। देखिए, राम भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बने, ये आस्था का विषय है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बने। लेकिन ये विषय चूँकि माननीय कोर्ट में है और कोर्ट के डिसीजन से बहुत सारे लोगों को सबक भी मिला है। कोर्ट ने कहा है त्वरित सुनवाई हो। इस देश में ही कुछ पार्टियाँ नहीं चाहती कि त्वरित सुनवाई हो, इसलिए उन पार्टियों ने त्वरित सुनवाई की बात का पहले विरोध किया था। लेकिन माननीय कोर्ट का आदेश हुआ है कि त्वरित सुनवाई होकर के जल्दी फैसला आए। इस देश में करोड़ों लोग चाहते हैं कि वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार बीपीएड
डिग्री धारकों को हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि वे इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त होने की योग्यता नहीं रखते हैं। इंटर कॉलेज में एमपीएड धारक के प्रधानाचार्य नियुक्त किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएड धारक इसी मुद्दे के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने मुलाकात करने से रोक दिया, जिसके कारण गुस्साए बीपीएड धारकों ने गोरखनाथ मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, वहीं यूपी के शाहजहांपुर में एक विवाहित को मौत की नींद सुला दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जहां नवरात्रों के दिन हर शहर नगर गांव में कन्याओं को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था, तो वहीं एक अबोध बच्चों की माँ को दहेज की भेंट चढ़ा दिया गया। जी हाँ, शाहजहांपुर गांव के धिरई में एक विवाहित को दहेज के दानवों ने अपने मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए उसे मौत की नींद सुला दिया और खुद उसकी मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हमने मतलब अपनी हैसियत के अलावा सब कुछ दिया था, बट उन लोगों ने देने के बावजूद भी उसे बहुत परेशान करते, मारते थे, सब कुछ करते, और ये कहते थे हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, दहेज को लेकर बहुत उसे परेशान करते। एक महीना हुआ तभी इन लोगों ने कहा कि दवा खा लो, उसने जब दवा नहीं खाई तो इन लोगों ने मारा पीटा, फिर उसके बाद उसी दिन से प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे। दिल की बात है, ग्राम डिगराई में ये थाना मथुरापुर में एक महिला है पूजा श्रीमती पूजा, उसने जो है आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा कर, उसकी 3 वर्ष के लगभग जो है शादी को हो गए हैं, तो इस वजह से ये दहेज हत्या का ये बनता है। हरदोई के शाहबाद के ब्रह्मानंद महाविद्यालय में बीएड बीटीसी के शिक्षक का शिक्षकों के साथ फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर शिक्षक और शिक्षिकाओं की करतूतें साफ तौर पर जाहिर हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर लापरवाही बरतते नजर आ रही है। ये वायरल वीडियो 2 अक्टूबर का दिखाया गया है, लेकिन ये झूठ है। ये हमारा व्यक्तिगत प्रोग्राम था, इसमें कोई भी छात्र मौजूद नहीं था, ये हमारे स्टाफ के ही लोग थे, एंजॉय कर रहे थे, और जन्मदिन का प्रोग्राम था, इससे 2 अक्टूबर या गांधी जयंती से इसका कोई संबंध नहीं। आगरा में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां कार आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सामने चलती कार में भयंकर आग लग गई थी। कार में बैठे सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नवरात्र के 9 दिन पूरे हो जाने के अवसर पर भक्तों ने कल मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया, जहां इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। ऐसे ही यूपी के सीतापुर में दुर्गा विसर्जन के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहां भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया। सीतापुर में भक्तों ने चौका घाट पर जाकर मां दुर्गा की पूजा करने के बाद मूर्ति को नदी में विसर्जित किया। वहीं इस नज़ारे को देखने के लिए घाट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस अवसर पर लोगों की सुरक्षा के लिए इलाके में भारी पुलिस दल भी तैनात किए गए थे, ताकि इलाके में कोई अप्रिय घटना ना हो सके। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बहराइच में इस मौके पर कई जगहों पर शानदार अति शबाजी की गई और रावण का पुतला फूंका गया। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था और देवी मां दुर्गा ने नवरात्रि के 10वें दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है और दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के विद्युत नगर में गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि एनटीपीसी समूह महाप्रबंधक श्री अपूर्ण कुमार दास ने किया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह से इसकी तैयारियां चल रही थी, प्रतिभागियों ने अपनी कला व हुनर का प्रदर्शन भी किया। हजारों की भीड़ में लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।